हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल नीति लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबका फेवरेट वेज मोमोज, जो मैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। वैसे मोमोज में कई तरह की फिलिंग यूज़ की जाती है, लेकिन मैं कुछ वेजिटेबल का यूज़ करके इसे बनाऊंगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज की चटनी तैयार कर लेते हैं। हमने कुकर में 2 लाल टमाटर और 3 साबुत लाल मिर्च लिया है और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ को हम एक सीटी आने तक पका लेंगे। एक सीटी आ गया है, हम गैस को ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर कितने अच्छे से पक गए हैं। अब हम टमाटर से छिलका को अलग कर देते हैं। अब टमाटर और लाल मिर्च को एक मिक्सर जार में डालेंगे और थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। इन्हें हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देख सकते हैं हम मोमोज की चटनी पीस लिए हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मोमोज की चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम मोमोज के लिए मैदा गूंथ लेते हैं। हमने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप पानी लिया है। मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। जैसे हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं, सेम वैसे ही हमें डो मैदा का तैयार करना है। आप देख सकते हैं मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हम मोमोज की फिलिंग के लिए तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और साथ में 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। हम इन्हें 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है, हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम तड़के को अपने कद्दूकस किए हुए वेजिटेबल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कुछ वेजिटेबल लिया है, जैसे 100 ग्राम बंद गोभी, 100 ग्राम गाजर और 2 शिमला मिर्च को पहले ही कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे वेजिटेबल फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम मैदा की छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। हमने सारी लोई बना लिया है। अब एक लोई लेंगे, इसे गोले आकार में बिल्कुल पतला बेल लेंगे। मैंने सारी पूरी बेल ली है। अब हम एक पूरी लेंगे और बीच में थोड़ा सा वेजिटेबल का स्टफिंग को रखेंगे। और इस तरह से मोड़ते हुए मोमोज का शेप देंगे।
बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं। मैंने सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। मैंने गैस पर पहले ही पानी को उबालने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं हमारे पानी में उबाल आ गया है। हमने मोमोज के लिए इस तरह जालीदार थाली लिया है। थाली में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम थाली को कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं। अब इसमें हम अपने सारे मोमोज को भी रख देंगे। अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मोमोज पक गए हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारे मोमोज बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा मोमोज खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।